हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूं। मैं जो करती हूं अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, डैंड्रफ को खत्म करने के लिए, हेयर लॉस रोकने के लिए, वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो मैं अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल चीजें भी हैं जो मैं पर्टिकुलरली करती रहती हूँ हर वीक, तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैं अपने बालों की देखभाल करने के लिए करती हूँ। मैं अपने बालों को मजबूत, घना, लंबा बनाने के लिए करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मेरे हेयर के रूटीन में ना जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है ऑयलिंग। मैं अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करती हूँ और जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है उसे एक दिन पहले करती हूँ। और बहुत ही ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ मैं, लेकिन अच्छा खासा ऑयल अपने बालों में लगा लेती हूँ। इतना ऑयल नहीं लगाना चाहिए कि वो टपकता रहे, तो इसलिए मैं इतना ऑयल लगाती हूँ जितना कि मेरी स्कैल्प जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं ऑयल क्या करती हूँ ना, जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है तो उसके एक दिन पहले मॉर्निंग में मैं लगा लेती हूँ या फिर दोपहर में लगा लेती हूँ ताकि जब सोना रहे तब तक मेरे बाल और मेरी स्कैल्प थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब कर लें। तो क्या करती हूँ मैं कि पूरा रात भर ऑयल को अपने बालों में ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ऑयल ना हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। और ये जो ऑयल है जो अभी मैं लगाने जा रही हूँ ना, ये मैंने आंवला रीठा शिकाकाई को इन्फ्यूज करके बनाया है। ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं हमेशा ना घर पे ही ऑयल बनाती हूँ। और ये जो ऑयल है वो इसमें आंवला है, रीठा है, करी लीव्स है, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ और इसको डबल बॉयलिंग मेथड से मैं गुनगुना गर्म कर लेती हूँ। जब ऑयल गुनगुना गर्म हो जाता है ना, तो वो जब आपके स्कैल्प में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और साथ ही साथ बालों में और स्कैल्प में ऑयल बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी डबल बॉयलिंग मेथड की हेल्प से मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब आप देखिए, मैं अच्छे से अपने स्कैल्प मैं इसको पहले लगाऊंगी और मैं बहुत ही ज्यादा ऑयल नहीं लगाती हूं, मतलब अच्छा खासा ऑयल लगाती हूं कि मेरे बाल और मेरे स्कैल्प में ऑयल अच्छे से लग जाए। बस उतने ही ऑयल की जरूरत होती है आपको। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग कर लेंगे या फिर बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करेंगे तो वो शैम्पू आपके बालों को नुकसान ही करेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने बालों को और स्कैल्प को अच्छे से ऑयल लगा लेती हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, कितने अच्छे से मैं अपने बालों का अच्छे से पार्ट कर रही हूँ और ताकि पूरे स्कैल्प में अच्छे से इवनली ऑयल में लगा सकूं। फिर थोड़ी देर में मसाज करती हूं, जैसे मैं यहां पे कर रही हूं, ताकि स्कैल्प में अच्छे से ऑयल भी लग जाए। और मसाज करने से वैसे भी बहुत सारा फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, आपके बाल नरिश होते हैं, कंडीशन होते हैं, मतलब कंडीशन होने का मतलब यह है कि ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा तो ऑब्वियसली बाल आपके स्ट्रांग होंगे, है ना? तो क्या करूंगी मैं ना कि अच्छे से ब्रेड बना लूंगी, गूंथ लूंगी बालों को, उसके बाद अपने बाल ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। और मेरे हेयर केयर रूटीन में ना जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि मैं कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पूज का यूज ही नहीं करती हूँ। मैं घर पे ही शैम्पू बनाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से घर पे शैम्पू बनाती हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, मैं ना हमेशा शैम्पू घर पे बनाती हूँ, क्योंकि जो घर पे बनाती हूँ ना मैं शैम्पू, उससे मुझे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पहली बात, हेयर लॉस रोकने में बहुत हेल्प करती हैं ये सारी हर्ब्स, और साथ ही साथ आपके आपको अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन जब से मैं ये सारी चीजें घर पे करती हूँ और अपने बालों में लगाती हूँ ना, मेरे बाल वापस से काला होना शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ मेरे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आती है और मेरे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, चाहे जितनी भी ठंड पड़े लेकिन मेरे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। और साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रुकता है और आपके बाल ना मजबूत होते हैं। मेरे बाल बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर मेरे बाल कोई एक ऐसे निकल जाए ना, अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करो तो जल्दी टूटते भी नहीं है। तो इसलिए मैं सारी चीजें ना घर पे ही इस्तेमाल करती हूँ, मतलब घर पे ही बना के इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो ऑयल, मतलब ये जो शैम्पू है ना, ये आपके बालों से ना मतलब ऑयल्स को बहुत ही अच्छे से निकाल देता है। ये आपके बाल को बहुत अच्छे से साफ करता है। इसलिए मैं, मुझे जरूरत नहीं होती है कि मैं कोई मार्केट वाला शैम्पू यूज करूं, मैं हमेशा इसी शैम्पू का यूज करती हूँ। फिर शैम्पू करने के बाद, मतलब अब मैं अपना हेयर वॉश कर लूंगी, इसको लगा के मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ, फिर हेयर वॉश कर लूंगी। उसके बाद देखिए, ये जो है ना वो हेयर रिंस है, इसको मैंने विनेगर में इन्फ्यूज करके बनाया हुआ है। इसकी वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो
मतलब हेयर रिंज है ना, वो बहुत अच्छा है। अब इसको यूज कैसे करना होता है वो मैं आपको बता दूं। तो इस हेयर रिंज को ना क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। आप मैंने यहाँ पे मग लिया हुआ है, इसमें पानी है। उसके बाद इसमें ये जो हेयर रिंज है इसका 1 टेबल स्पून मैं निकालूंगी और उसको इस पानी में डाल दूंगी, ठीक है। अब इसको क्या करूंगी कि जब मैं अपना बाल पानी पानी से साफ कर लूंगी ना, इसको लास्ट में अपने बालों में ऐसे ही गिरा के छोड़ दूंगी। और जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मेरे हेयर के रूटीन में है वो ये कि मैं क्या करती हूँ ना कि शैम्पू करने के बाद जब मेरे बाल सूख जाते हैं तो दूसरे दिन मैं हेयर मास्क जरूर लगाती हूँ। और हेयर मास्क शैम्पू लगाने के बाद जब मेरे बाल बहुत ही जैसे क्लीन रहते हैं ना, कोई भी गंदगी नहीं रहती मेरे बालों में, तब मैं लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके बालों को पूरा का पूरा फायदा मिल पाता है उस हेयर मास्क का। अच्छा जी, अब बारी आती है ना हेयर मास्क लगाने की। तो हेयर मास्क मैं घर पे ही बनाती हूँ, जैसे मैं सारी चीजें घर पे बनाती हूँ उसी तरीके से हेयर मास्क भी मैं घर पे बनाती हूँ। फेनुग्रीक सीड मैंने इसके लिए लिया हुआ है। फेनुग्रीक सीड में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो डैंड्रफ को खत्म करती है और साथ ही साथ ये बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, बहुत ही अच्छी से शाइन देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब लिया हुआ है फेनुग्रीक सीड। उसके बाद मैं यहाँ पे आंवला ले रही हूँ, ड्राइड आंवला। आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो, या फिर आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो जो आंवला होता है ना वो बालों से पिगमेंट लॉस को रोकता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड यानी तीसी लिया हुआ है, अलसी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर ना वाइटामिन ई बहुत ज्यादा होता है, म्यूसलेस कंटेंट होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को कंडीशन भी बहुत अच्छे से करता है। अब मैंने हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर लिया हुआ है, आप ताजा हिबिस्कस का फ्लावर भी ले सकते हैं। हिबिस्कस का फ्लावर हमारे हेयर लॉस को रोकने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मैंने ब्रह्मी लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब मैं ब्रह्मी इसमें ऐड करूंगी। हो गई सारी चीजें, इतना ही मुझे इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी, गर्म पानी डाल के रात भर के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि बहुत ही अच्छे से ना ये एब्जॉर्ब कर ले पानी को और मतलब इसको बनाना आसान हो जाए और पूरा का पूरा फायदा मिले इसका। उसके बाद मैं क्या करूंगी ना कि एक बर्तन लूंगी। अच्छा मैं बताऊंगा आपको, ये जो हेयर मास्क है ना इसमें मैंने रोजमेरी हर्ब भी डाली है, आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये रोजमेरी हर्ब है। रोजमेरी हर्ब बहुत अच्छी होती है हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, डैंड्रफ को क्लीन करती है और साथ ही साथ बालों में ना बड़ी अच्छी सी स्मेल आ जाती है, इसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें रोजमेरी हर्ब भी ऐड की। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जब ग्राइंड करना होना तो बहुत आसानी हो जाए ग्राइंड करने में, लेकिन आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी इसमें बहुत कम हो जाएगा ना तो ये बहुत ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें अलसी का बीज है, ये जेल छोड़ देगा और अगर आप कम पानी मिलाएंगे तो जेल बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप पानी अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करके एकदम फाइन सा पेस्ट बना लूंगी इसका। अब फाइन सा पेस्ट बनके रेडी हो गया है, लेकिन इसमें ग्रैनुल्स हैं तो जो आपके बालों में जाके ना स्टिक हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए ताकि आपके जब आप हेयर मास्क लगाने के बाद बाल धुले ना तो आपका बाल बहुत अच्छे से साफ हो जाए, नहीं तो ये जो मतलब थोड़ी मोड़ी ग्रेन्स वगैरह रहते हैं ना, क्योंकि वो कितना भी आप पेस्ट बना लो एकदम स्मूथ पेस्ट तो बनता नहीं है। इसको छानने के बाद देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना है। इसको आप बालों में लगाएंगे ना और बाल जब धुलेंगे तो बाल आपका बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, जैसे स्टोर बॉट होता है ना हेयर मास्क वैसा है ये। तो आप देख रहे हैं ना, पहले मैं क्या करती हूँ हेयर मास्क लगाने से पहले अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ, बाल मेरे सुलझ जाते हैं उसके बाद हेयर मास्क लगाती हूँ, नहीं तो उलझे बालों में हेयर मास्क लगाना तो बाल और उलझ जाते हैं फिर झड़ने भी लगते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सुलझा लीजिए आप बाल उसके बाद हेयर मास्क लगाइए। और क्लीन बाल में हेयर मास्क लगाएंगे ना तो उसका पूरा का पूरा आपको फायदा मिलेगा। ये जो हेयर मास्क है ना इसको मैं अपने ऐसे ही बालों में कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ूंगी, आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद देखिए आपके बाल बहुत ही अच्छे से कंडीशन हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल झड़ने से भी मतलब अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है ना तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। ये जो हेयर मास्क है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसको भी खत्म करता है। तो देखा आपने मेरा जो हेयर के रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है और मैं कोई भी चीज स्टोर बॉट यूज नहीं करती हूँ अपने बालों के लिए, ना मैं कोई कंडीशनर यूज करती हूँ, ना सीरम यूज करती हूँ, ना शैम्पू यूज करती हूँ, ना हेयर मास्क यूज करती हूँ, सारी चीजें मैं घर पे बनाती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि मेरे बालों में कोई भी केमिकल नहीं जाता है और मेरे बाल डैमेज नहीं होते हैं, तो इसी वजह से मेरे बाल हेल्दी हैं और शाइनी हैं बहुत ज्यादा और मेरे बालों में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैं सारी चीजें घर पे ही बनाती हूँ, चाहे शैम्पू हो, चाहे हेयर मास्क हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बालों में जो भी लगाती हूँ सारी चीजें ऑर्गेनिक होती हैं, होममेड होती हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक भी दे दीजिए और साथ ही साथ जितने लोग शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।